बोलिए भाई जी बहुरानी हरि बाबा ये मंदिर किसको बने बाबा ये मंदिर किसके बने बाबा ये मंदिर किसके बने बाबा ये मंदिर किसके बने लाल धजा फोराए रे जाति जो बोलो देवी माए खरे जिन पर लाल ध्वजा फहरा रही है तो मेरी बात सुनिए रानी महंतो कहिए रानी ये मंदिर मैया के बने रानी ये मंदिर दुर्गा के बने अरे अपने लाल ध्वजा फहराए रे लाल ध्वजा बोलो रे देवी माए की मंदिर मैया के बने अरे आपका लाल ध्वजा फहराए रे तुझे बोलो देवी तो गुरुवार कहिए माँ के दर्शन कराए माँ के दर्शन रानी महंगे कहिए भाई जी जो सामने जो मंदिर देख रहा है और लाने जो मंदिर में जो पिंडी रखी हुई है उसमें मेरी मात बैठी हुई है उसमें से दर्शन कर देखिए भगत जी कहिए इस भवन के अंदर मुझे सिवाय पत्थरों के कुछ दिखाई नहीं देता मैं यहाँ किसी पत्थर को पूजने नहीं आई हूँ मुझे उस माँ के दर्शन कराइए जिस माँ की चर्चा आप करते आए हो रानी महंत उस मंदिर के अंदर जो पिंडी रखी हुई है आप कहती हो कि ये पत्थर है ये रानी महंत पत्थर नहीं है ये जगह भवानी है कैसी बातें करते हो गुरबल आप भी मेरी हंसी उड़ा रहे हो रानी ऐसी कोई बात नहीं है क्या आप सौगंध खा कर कह सकते हो कि ये वही माँ है जिसकी चर्चा आप कर रहे थे हाँ रानी महंत मैं आपसे कह रहा था ये वही माँ है रानी महंत एक बात बताइए आप कितनी क्रोध रोते हुई हाय मेरी ये किस्मत मेरी ये किस्मत न जाने कहां सो गई मेरी ये किस्मत न जाने कहां सो गई ये मौत भी मेरे लिए अनमोल क्यों दुख दिखाता है कुछ रहम कर ले परमात्मा क्यों दुख दिखाता है कुछ रहम कर परमात्मा अरे हो सके तो कर मेरी जिंदगी का तुमने ये अच्छा नहीं किया भगत जी तुम्हारे
जानू वक्त तुमने मेरे साथ चल लिया है। यानी महमूद, आपके साथ में हमने ऐसा कोई छल नहीं किया है। हम तो माता रानी के इसी की पूजा करते हैं, इसी के दर्शन करते हैं। यदि मैं लौट कर अपने महलों के लिए जाती हूँ तो मेरे पति मुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे और इन पत्थरों में मैं सर को मार के करूंगी। भगत मिले तो भगिया मिले, भगत मिले भगिया मिले, भगिया मिले मो भगत मिले तो भगिया मिले। चलो हो पराई नार मेरी बनी रे बिगारी कहानी सुनाती है। अरे बाबा हर पूजा में तो ना करूं, बाबा हर पूजा में तो ना करूं। जौही देवी सतभाव रे मेरा हीरा रे जन्म नो मैं नहीं करूंगी गुरबर, मैं जो देवी पूजूंगी मैं सद्भाव की देवी पूजूंगी। अच्छा देखिए, जो मैं पूजा करूंगी वो सच्ची देवी की करूंगी। इस पत्थर की पूजा पूजा नहीं करोगी देवी की? नहीं जाती। तो एक काम कीजिए, हार जाती ऐसे जो पत्थर मेरे घर पर, बाबा ऐसे जो पत्थर मेरे महल पड़े, ओ बाबा ऐसे जो पत्थर मेरे पत्थर गुरबर मेरे घर पड़े हैं, मेरी हवेली में बहुत पत्थर लगे हुए हैं। पुराने आप पत्थरों की पूजा नहीं करोगी? नहीं भगत जी। तो एक काम कीजिए, रानी महमूद जी यदि तुम पत्थरों की पूजा नहीं करती हो तो ये लो इस भवन के अंदर ये कन्या है, इसी को पूज करके जाते हैं, उस कन्या रूपी महारानी के दर्शन करो। तेरी बात सुनिए, कहिए हार जाती याते तोरे मेरी नंद भली, बाबा याते तोरे मेरी नंद भली, बाबा याते तोरे मेरी नंद भली, याते दिल की
बतावे हाल रे मेरी बनी जो बिगाड़ी भगवान ने। तो मेरी नंद है महलों में, मैं इन्हें नहीं पूजूंगी भगत जी। अच्छा रानी मोहम्मद, यदि तुम इनको भी नहीं पूजोगी तो मेरी बात सुनिए। पांच मेरे भक्तो, उस भवन के अंदर मैं एक बुढ़िया का रूप बना कर लो और प्रकट हो जाती है। रानी मोहम्मद से कहने लगी कि बेटी मोहम्मद तू मेरे दर्शन कर। नहीं माँ, मैं तेरे दर्शन नहीं करूंगी। चोरानी हो भैया तो दे तोरे मेरी सास भली, माँ तो दे तोरे मेरी सास भली। भैया तो दे तोरे मेरी सास भली, भैया तो दे तोरे मेरी